दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नील स्पर्म पेशेंट के अंदर हाई FSH का मतलब क्या होता है, ये हाई FSH होता क्यों है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे इसे ठीक करने से स्पर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप सब जान लो कि FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से निकलता है। जब भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म कम बनता है, या स्पर्म नहीं बनता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल होते हैं वो ना हो या उसके अंदर स्पर्म बनाने की क्षमता कम हो, तो जब भी टेस्टिस में स्पर्म कम बनते हैं तो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस करता है कि बॉडी में स्पर्म कम बन रहा, वो FSH स्पर्म फॉर्मिंग हार्मोन है। जब भी स्पर्म कम बनता है तो बॉडी थ्रू पिट्यूटरी को और FSH बनाती है टू स्टिमुलेट टेस्टिस टू मेक मोर स्पर्म। तो FSH हाई होने का मतलब होता है कि आपके अंदर टेस्टिस के अंदर खराबी है। FSH में खराबी नहीं है, जितना स्पर्म कम बनेगा उतना FSH हाई होगा। और किसी के अंदर जर्म सेल मान लो 1000 है और खूब स्पर्म बन रहा तो FSH नॉर्मल होगा, और जर्म सेल 0 होगा तो FSH हाई होगा खूब 30, 40, 50, और जर्म सेल कम संख्या में होगा और स्पर्म बहुत कम बनेगा तो FSH बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मिंग से जर्म सेल कम होगा स्पर्म प्रोडक्शन घटता जाएगा। आप जान लो स्पर्म कैसे बनता है, हमारा एक जर्म सेल होता है वो मैच्योर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, वो फिर मैच्योर होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो मैच्योर होता है स्पर्मेटिड में, फिर होता है स्पर्म बनता मैच्योर, कई स्टेप्स होते हैं। तो जर्म सेल से जितना स्टेप ब्लॉकेट होगा यानी मैच्योरेशन अरेस्ट होगा उतना FSH हाई होगा। तो FSH हाई होने मतलब आपका टेस्टिस खराबी है। FSH हाई स्पर्म नील होने का कारण नहीं है, स्पर्म नील होने का कारण है टेस्टिस के अंदर जर्म सेल का न होना या जर्म सेल को मैच्योर होकर स्पर्म न बनाना। FSH हाई तो अच्छा चीज़ है, बॉडी FSH बना के स्पर्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, पर जैसे जैसे समय के साथ आपके टेस्टिस की स्पर्म बनाने की कैपेसिटी घटती जाएगी FSH मात्रा बढ़ती जाएगी। तो बॉडी ट्राइंग टू स्टिमुलेट FSH, हमारे लिए FSH नील स्पर्म के साथ साथ हाई FSH इंडिकेट करता है कि खराबी टेस्टिस में है। ट्रीटमेंट क्या है, जब भी आप बॉडी के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दोगे, चाहे बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे करके या कैप्सूल दे करके, तो विद इन 15 डेज FSH नॉर्मल आ जाएगा। तो FSH तो नॉर्मल आ जाएगा बाई गिविंग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाहर से, चाहे इंजेक्शन दो, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दो, टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल दो या टेस्टोस्टेरोन मलहम आता है कुछ दे दो, 15 दिन तो नॉर्मल आ जाएगा। पर FSH नॉर्मल आने से स्पर्म नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने की क्षमता जर्म सेल के अंदर नहीं है। आपके जर्म सेल पैदाइश ही डिफेक्टिव बने हैं या वायरल इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में वो डिफेक्टिव हो गए हैं। आपके टेस्टिस के अंदर जर्म सेल के अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से मैच्योर होकर स्पर्म नहीं बना रहे हैं, इसे बोलते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट। अगर जर्म सेल हैं स्पर्मेटिड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बट स्पर्म मैच्योर नहीं, उसे बोलते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट। या जर्म सेल हाई नहीं, उसे बोलते हैं हम लोग जर्म सेल एप्लेजिया यानी सर्टोली सेल सिंड्रोम। आपके अंदर जर्म सेल है नहीं, खाली बॉडी टेस्टिस का बॉडी बॉर्डर सेल्स हैं, उसे सर्टोली सेल बोलते हैं। इस कंडीशन बोलते हैं सर्टोली सेल वनली सिंड्रोम। तो और किसी का हाई FSH है टेस्टिस के अंदर स्पर्म मैच्योर FNAC करने पे, टेस्टिस बायोप्सी करने पे जर्म सेल हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है स्पर्मेटी बने हुए हैं, इसका मतलब ब्लॉकेट है, आपका मैच्योरेशन अरेस्ट है, ऑल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मैच्योर स्पर्म नहीं बन रहे। ऐसे लोगों को तो बुक तो लिखता है कि अगर किसी का स्पर्म नील है FSH हाई है तो चुपचाप टेस्ट ट्यूब बेबी करो दूसरे स्पर्म लेके, बुक साफ बोलता है। बट ऐसे लोगों में कभी कभी टीसा करने से मल्टीपल जगह प्रिक करने से
करीब 15-20% लोगों के अंदर स्पर्म मिल जाता है, उसको आप टेस्ट ट्यूब में यूज करके अपना बच्चा कर सकते हैं। तो बेस्ट पहला ऑप्शन था बेस्ट कि आप दूसरे स्पर्म लेके अपने वाइफ के अंदर डाल लीजिए, जिसको बोलते आई यू आई डोनर स्पर्म से, बेस्ट ये होता है। सेकेंड बेस्ट, और कोई कहता नहीं मुझे अपना बच्चा चाहिए, तो एक ऑप्शन टीसा, मैंने मल्टीपल प्रिक करके टेस्टिस के कई जगह प्रिक करके सुन करके और 15-20% स्पर्म मिल सकता है। थर्ड एक होता है ट्रीटमेंट ट्रायल, इसमें बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन थेरेपी। अगर आपके एफएसएच हाई है, स्पर्म नील है एंड टेस्टिस बायोप्सी करने पे स्पर्म फॉर्मिंग सेल हैं, मतलब जर्म सेल है, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है, लेकिन मैच्योर स्पर्म नहीं है, तो ऐसे ट्रायल कर सकते हो आप। गोनेडोट्रोपिन थेरेपी क्या होता है, एससीजी और एचएमजी दो इंजेक्शन आते हैं, उसको 3 मंथ ट्राई कर सकते हो, प्लस कुछ टैबलेट्स आती हैं, उस टैबलेट से 5% लोगों के अंदर स्पर्म बन जाते हैं कुछ 3 मंथ में। और स्पर्म बन गया तो आप उसको फर्स्ट स्पर्म लेकर टेस्ट ट्यूब भी करिए, स्पर्म नहीं बना तो इसका मतलब ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। आइदर आप टेस्ट ट्यूब बेबी आप करिए टीसा करने के बाद स्पर्म निकाल के टेस्ट से, या आप दूसरे के स्पर्म लेकर डोनर आईयूआई से, डोनर स्पर्म से आप अपना बेबी करिए। दो ही ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन बोला है, तो ट्रायल ऑफ गोनेडोट्रोपिन थेरेपी या आईयूआई यूजिंग डोनर स्पर्म या आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी यूजिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एक्सट्रैक्शन बाय बायोप्सी फ्रॉम टेस्टिस, उसे बोलते टीसा। तो टीसा में मल्टीपल इंजेक्शन से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पर्म निकाल के टेस्ट ट्यूब कर लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होता है। तो फिर समझ लो, एफएसएच घटाने से स्पर्म नहीं ठीक होने वाला है, एफएसएच हाई इंडिकेट करता है कि आपको टेस्टिस खराबी है, आपको ट्रीटमेंट फोकस टेस्टिस करना है, एफएसएच फोकस नहीं करना है। जैसे जैसे आपका समय उम्र बीतता जाएगा, टेस्टिस स्पर्म बनाने की क्षमता घटती जाएगी और आपका एफएसएच बढ़ता जाएगा। आपको एक और बता दूं, मर्दों के अंदर जैसे उम्र बढ़ती जाती है 55 साल 60 साल 65 साल, जैसे टेस्टिस फंक्शन डाउन होता है एफएसएच बढ़ने लगता है। 60-70 साल उम्र में चेक करोगे तो मोर देन 50% मैन का एफएसएच हाई हो जाता है। इस तरह औरतों के अंदर जिनका मीनोपॉज हो जाता है, ओवरी के अंदर एक बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उनका एफएसएच हाई होकर के 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो एफएसएच हाई इंडिकेट यही करता है आपको टेस्टिस के अंदर, मर्द के अंदर स्पर्म बनाने की क्षमता नहीं है, औरतों के अंदर अंडा बनाने की क्षमता नहीं है। वो बीमारी नहीं है, वो टेस्टिस फंक्शन का क्षमता बताता है। आई होप इस अंडरस्टैंड किया कि एफएसएच हाई होता क्या है, ठीक कैसे होगा और उससे क्या फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं।